भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होने वाला है। इस सीरीज से नए हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल की भी शुरुआत होगी। वहीं टीम इंडिया नए T20 कप्तान के साथ भी उतरने वाली है। ऐसे में गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नई जोड़ी किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। श्रीलंका के खिलाफ इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का खेलना एकदम परमानेंट है। वहीं ऋषभ पंत नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो इसी नंबर पर खेले थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव 4th नंबर पर खेलना जारी रख सकते हैं। इनके अलावा लोअर ऑर्डर में हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है। दूसरी ओर रवि बिश्नोई, अजदीप सिंह और मोहम्मद सिराज बतौर गेंदबाज प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। रियान पराग, संजू सैमसन, शिवम दुबे और खलील अहमद को प्लेइंग 11 में जगह मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। जो 4 खिलाड़ी हैं, एक बार उनका नाम मैं फिर से ले देता हूं। रियान पराग, संजू सैमसन, शिवम दुबे और खलील अहमद, ये ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिनको इस आने वाले सीरीज में शायद बेंच ज्यादा गर्म करते हुए देखा जाएगा। ऐसे में इन खिलाड़ियों को पहले T20 मैच में भी बाहर बैठना पड़ सकता है। इन 4 खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में भी खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन श्रीलंका सीरीज में ऋषभ पंत लौट आए हैं। ऐसे में संजू सैमसन की इस टीम में जगह नहीं बनेगी। वहीं हार्दिक पंड्या के टीम में आ जाने से शिवम दुबे की जगह भी खतरे में है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान दोनों खिलाड़ी एक साथ प्लेइंग 11 में खेले थे, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को एक साथ मौका मिलना मुश्किल है। रियान पराग को भी जिम्बाब्वे दौरे पर खेलने का मौका मिला था, लेकिन इस समय उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती हुई दिखाई नहीं हो रही है। अजदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की टीम में आ जाने से खलील अहमद को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। वो अभी जिम्बाब्वे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे।